अब तक आपने देखा शिवान्या कई ठोकरें और चुनौतियों का सामना करने के बाद अपने पूर्वजों की उस धरोहर के सामने खड़ी थी जिसे उन्होंने वर्षों पहले त्याग दिया था। एक अनजान औरत जिसे नागमणि हासिल करने की इतनी तलब थी, क्या ये औरत बनेगी शिवान्या की राह में रोड़ा? देखिए आगे। नागिन। कहते हैं कोई भी बच्चा अपनी माँ की कोख से शैतान या दानव पैदा नहीं होता, पर अगर बच्चा कोख से ना निकलकर एक ऐसे भयानक और खूंखार तरीके से जन्म ले जिसकी कल्पना मानव संसार में किसी ने आज तक ना की हो, तो फिर दक्षा, जिसे गर्भवती हुए अभी ठीक से 6 महीने भी नहीं हुए थे, दर्द में तड़प रही थी और बहुत जल्द एक नवजात को जन्म देने वाली थी। दक्षा अपनी देह का पूरा जोर लगा चुकी थी, पर उसका बच्चा गर्भ में पूरी तरह अटक चुका था। दक्षा के कई प्रयासों के बाद भी जब बच्चा बाहर नहीं आया तो अपनी चल रही सांसों को आखिरी समझ उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़ परमात्मा से अपने किए हुए पापों की माफी मांगने लगी। इससे पहले कि दक्षा मौत की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सोती, उस कमरे का दरवाजा धम्म से खुला और प्रवेश हुआ तांत्रिक खुर्रम का, जिसका बच्चा दक्षा की कोख में था। तांत्रिक ने अपनी कमर से खंजर निकाला और दक्षा के पेट को चीरते हुए अपनी बच्ची को उसकी कोख से निकाल लिया। दक्षा के खून से कमरे की जमीन स्याह लाल हो चुकी थी। एक जिंदगी सांसें त्याग दूसरी जिंदगी को सांसें दे चुकी थी। तांत्रिक की काली माया हर संभव कार्य कर सकती है, मगर एक बच्ची को पालना और उसे माँ बाप का प्यार देना शायद असंभव था। और इत्तेफाक भी देखिए, तांत्रिक ने इस बच्ची का नाम भी माया ही रखा। जब माया की उम्र की बच्चियां गुड्डे गुड्डियों से खेल रही होती थी, तब माया कंकालों को हाथ में ले शैतानी क्रियाओं में भाग ले रही होती थी। माया का बचपन उससे इस कदर छिन गया था कि दूसरे बच्चों को देख उसे घिन आती थी और उसके रहन सहन और वेशभूषा का ढंग किसी 20-25 साल की स्त्री जैसा हो चुका था। बहरहाल समय गुजरता गया और माया की शक्तियां बढ़ती चली गईं। माया अपनी काली जादू की शक्तियों के साथ ऐसी तामसिक शक्तियों की मालकिन भी बन चुकी थी जिससे वो 4 नेत्रों से देख पाती थी और उसकी पीठ से निकलने वाले 4 पैर उसे किसी इंसानी मकड़ी जैसा आकार दे देते थे। इसी माया के रूप ने कानपुर शहर में धन दौलत से लैस कई उद्योगपतियों के चेहरे नोच और गले को रेत कर उन्हें लूटा और मुंह नोचवा के नाम से मशहूर हो गई, जिसके डर से रात को पूरा कानपुर शहर बाहर निकलने से भी डरता था। देख रही है माया बिटिया, नवाब साहब की पुश्तैनी हवेली है। जरा सोच, तूने अगर इस हवेली के मालिक को जान से मार दिया तो ये हवेली और इसमें रखी सारी धरोहर हमारी। बाबा, आज हम नहीं कर पाएंगे, पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं और सर दर्द से फटा जा रहा है। देख लड़की, माथा मत ठनका, पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ काम में मन नहीं लगता तेरा। बोल मत, तू मेरी वजह से जिंदा है। माया अपनी उम्र की लड़कियों से बिल्कुल अलग थी, मगर ये सच भी था कि उसके शरीर में हर वो बदलाव आ रहा था जो एक बढ़ती उम्र की लड़की में आता है। महावारी, जिसे अंग्रेजी में पीरियड्स भी कहते हैं, उसके बारे में माया को जानकारी नहीं थी और तांत्रिक, उसके लिए तो माया एक खिलौना भर थी। जब जब माया तांत्रिक के दिए काम को इनकार कर देती, तांत्रिक अपनी छड़ी से उसके तलवे और पीठ पर इतनी जोरों से मारता कि अक्सर लाल निशान कई दिनों तक रहते। कमजोर, तुझसे तो आने के बाद निपटेंगे हम, पहले इस नवाब के भतीजे को मौत के हवाले करेंगे। तांत्रिक माया के पेट पर लात मार हवेली के अंदर चला गया। माया अपने पेट को पकड़े काफी देर तक वहीं लेटी रही। अचानक गोली चलने की आवाज से वो चौकन्ना हुई और अपना पेट पकड़कर हवेली के अंदर जाने लगी। हवेली में पहुंचते ही उसने देखा कि तांत्रिक पीठ के बल सीने पर हाथ रखे
मर चुका था और उसकी छाती से खून बहता चला जा रहा था। तांत्रिक के ठीक सामने एक आदमी हाथ में दुनाली बंदूक और पैरों में चमड़े के जूते पहने खड़ा था। माया के लिए कुछ भी समझ पाना असंभव था और महावारी की कमजोरी के चलते वो बेहोश होकर गिर पड़ी। माया को जब होश आया तो उसने पाया कि वो एक नर्म बिस्तर और कंबल की गर्म ओट में थी। उसके पेट पर एक हॉट बैग रखा हुआ था। उठने की जरूरत नहीं है, लेटी रहो और परेशान मत हो, तुम यहाँ महफूज हो। तुमने तांत्रिक को मार डाला, जानते हो कौन था वो? मुझे नहीं पता वो तुम्हारा क्या लगता था, मगर मेरे लिए वो मेरी बहन और उसके बच्चों का कातिल था और न जाने कितने मासूमों का। जो आदमी एक लाचार बच्ची पर हाथ उठाए उसे कोई हक नहीं है इस दुनिया में रहने का। और आखिर क्या लगता है वो तुम्हारा? वो आदमी मेरा बाप था, पर बाप होने का फर्ज उसने आज तक। मेरा पैर। तुम अभी आराम करो, कल जो भी तुम्हारा फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। और कुछ भी खाने का मन करे तो बता देना, इन दिनों ऐसे मन मचलता है। एक आखिरी बात, बाप पैदा करने से नहीं ख्याल रखने से बनता है। किसी अनजान का उसके प्रति ममता जगाना और इस तरह ख्याल रखने के भाव ने उसका मन मोह लिया और उसने उसी वक्त फैसला किया कि इस व्यक्ति के लिए वो दुनिया में किसी से भी लड़ जाएगी। अगले दिन जब माया ने उस व्यक्ति को अपना फैसला सुनाया तो उसने माया को गले लगाते हुए कहा, माया मेरा नाम मल्हार है, पर आज से तुम चाहो तो मुझे अपना पिता मान सकती हो। क्या मैं आपको मल्हार बाबा कह सकती हूँ? बेशक, क्यों नहीं। और आखिरकार दो अधूरे लोगों को वो मिला जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, मल्हार को अपनी बेटी और माया को एक पिता। मल्हार ने माया को वो प्यार दिया, शिक्षा और ज्ञान दिया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। माया अक्सर दिन में अपने बाबा के साथ गार्डन में खेलती, लिविंग रूम में पढ़ती और रात को बाबा से नागमणि की कहानियां सुनकर सो जाती। माया अक्सर मल्हार से पूछती कि क्या सच में ऐसी नागमणि है जो किसी भी व्यक्ति को अजय और जिंदा कर सकती है, तो मल्हार उसका सिर्फ एक ही जवाब देता, कुछ कहानियां हकीकत ना ही हो तो अच्छा। देखते ही देखते 9 साल गुजर गए और माया समय के साथ अब एक जवान और खूबसूरत युवती में तब्दील हो चुकी थी, जिसे गली मोहल्ले में जाते देख लड़कों की सांसें थम जाती। मगर माया के लिए उसकी दुनिया सिर्फ उसके मल्हार बाबा के इर्द गिर्द घूमती। एक शाम जब माया अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि हवेली में सब बिखरा पड़ा है। दीवार पर लगी पेंटिंग से लेकर लिविंग रूम में पड़ा चांदी का गमला सब गायब था और मल्हार बाबा के कमरे की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर गीली मिट्टी से सने जूते के निशान थे। माया जब कमरे में पहुंची तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देख वो घुटनों के बल बैठ रोने बिलखने लगी। मल्हार अपने बिस्तर पर मरा पड़ा था और उसके सीने में एक छुरी घुसी हुई थी। माया ने नजर घुमाई तो पाया कि कमरे में तिजोरी भी खुली पड़ी थी और सारे गहने जेवरात चोरी हो चुके थे। मल्हार के पितृ प्रेम, जिसने माया को काले जादू की दुनिया से दूर एक मानवता से भरी प्यारी जिंदगी जीने की उम्मीद दी थी, अब वो इस दुनिया से दूर किसी दूसरी दुनिया में जा चुका था। माया का गुस्सा हर मर्यादा और सीमा को इस कदर लांग चुका था कि उसे बदले के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था, जिसके चलते उसने एक मंत्र बुदबुदाया और पहले की तरह उसकी पीठ से मकड़ी के 4 पैर निकले और आंखें 2 से बढ़कर 4 हो चुकी थी। और उसके बाद जो हुआ उसकी उम्मीद चोरों ने शायद अपने सपने में भी नहीं लगाई होगी। रात के अंधेरे में शहर के चौक पर मुंह नौचवाने 2 लोगों को इस कदर मारा कि शायद देखने वालों की रूह तक कांप जाती। माया ने अपने मकड़ी के पैर दोनों के सीने में ऐसे धंसा दिए और अपनी आंखों से निकलती आग से दोनों के चेहरे ऐसे झुलसाए कि उनके अपने भी उन्हें ना पहचान पाए। एक वो दिन था और एक आज, जब से माया इस मणि की तलाश में ना जाने कितनों को मौत के घाट उतार चुकी थी और आखिरकार अपने मल्हार बाबा को वो दोबारा जीवित देख पाएगी। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? वो मणि अनोखी मेरी काया और नाम है मेरा माया।
ऐसे ही कुछ इंट्रो की एक्सपेक्ट कर रही थी ना तुम? जमाना बदल गया है, लेकिन तुम नागिन लोगों का फैशन अभी तक वही। मैं शेषनाग कुल की। हाँ हाँ पता है तुम शिवन्या हो। तुम नाग बड़ी हासिल करने आई हो ना? बिना तुम्हारे रक्त के इस नाग लोक का द्वार खुलेगा नहीं, वगैरह 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 सब पता है मुझे। तुम ये सब कैसे जानती हो? मुंह खोलना है तो कुछ ओरिजिनल नया पूछो। क्या वही घिसे पिटे सवाल? बहन मेरी मान तो नागमणि लेने से पहले कुछ अच्छे कपड़े ले ले, थोड़ा फैशन सेंस सुधर जाएगा। बस कर अपने उपहास नादान लड़की, मैं आखिरी मौका दे रही हूँ, चली जा वरना जान से मारी जाएगी। तेरे जैसी नागिन को तो पकाकर नाश्ते में खाती हूँ मैं। माया के इतना कहते ही शिवान्या के सब्र का बांध टूट पड़ा और उसने अपने नागिन के रूप में आ माया को अपनी पूंछ में लपेट लिया। परंतु वो इससे पहले उसे डाकुओं की भांति मसलती, माया का पूरा शरीर एक क्षण में हजारों मकड़ियों के एक समूह में तब्दील हो गया, जो उसकी गिरफ्त से छूटते ही इधर उधर भाग निकला। शिवान्या इससे पहले परिस्थितियों को समझती, अचानक सारी मशालें जो नागलोक के द्वार के पास पड़ी थी जलकर अचानक से बुझ गईं और चांद भी बादलों में छुप गया। इस गहरे सन्नाटे में कुछ सुनाई दे रहा था तो वो थी शिवान्या की तेज चलती सांसें। शिवान्या को महसूस हुआ जैसे कोई उसकी पूंछ को मसल रहा है, जिसके जवाब में उसने नागास्त्र का स्मरण किया और अंदाजे से निशाना साधा तो सीधा माया की कमर में जा लगा। नागास्त्र माया की कमर में लगते ही नागलोक के द्वार की मशालें अपने आप जल पड़ी और माया, जिसकी चार आंखें थीं, अब अपने रूप में आ जमीन पर गिर अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। माया को मरता देख जैसे ही शिवान्या द्वार के करीब पहुंची तो माया ने उसके सामने प्रकट हो उसे चौंका दिया। शिवान्या ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि जो मरा था वो माया नहीं बल्कि एक छलावा था और असली माया उसके सामने खड़ी थी। माया के तीन रूप एक एक कर शिवान्या को हर दिशा से घेर चुके थे और उसकी बदहाली पर जोर जोर से हंस रहे थे। पहली बार शिवान्या की आंखों में मौत का डर था और मौके की नजाकत का फायदा उठाते हुए माया ने शिवान्या के सीने में उसी के नागास्त्र को आर पार उतार दिया। अब तुम्हारे रक्त से नागलोक का द्वार खोलते हैं। अफसोस मेरे प्लान में तुम्हारा काम यहीं तक था, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए सो सकती हो। इतना कहे माया ने शिवान्या को उसके बालों से उठा नागलोक के द्वार से कुछ दूर बहती नदी में मरने के लिए फेंक दिया। आखिरकार माया की सालों की तलाश समाप्त हुई। नागलोक में प्रवेश करते ही वो मंत्रमुग्ध हो चुकी थी। चांद की सुंदर लालिमा, खुला आसमान और शीशे से साफ नीर के बहते झरने, जिसमें तारों की छवि मोतियों के समान चमक रही हो, इसी सुंदरता के पीछे झरने के भीतर उसे हरे पन्ने सा चमकता एक पत्थर दिखा, जिसकी चमक कोहरे को भी चीर कर बाहर आ रही थी। नाग बड़ी। एक बूढ़ा शास्त्री नदी किनारे अपने भोजन के लिए नदी से पानी लेने आया ही था कि अचानक उसे शिवान्या का मूर्छित शरीर नदी में बहता दिखाई दिया। इससे पहले कि वो कुछ सोचता और समझता, नीलवंती यक्षिणी भी वहीं अवतरित हुई, जिसे देख शास्त्री ने कहा, नाविका तुम? क्या माया नागमणि की बदौलत अपने मल्हार बाबा को जीवित कर पाएगी? आखिर क्यों इतने सालों बाद नीलवंती यक्षिणी उसी राजू से मिलने आई जिसने उस रात नीलवंती की तपस्या भंग की थी? और क्या यही शिवान्या का अंत है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले भाग में। तब तक देखते रहिए डोडो टीवी की नई सीरीज नागिन। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।